people, okay, goodness of the people of the city. So happy prince aur ye sare dono kaam karte hain. And in the last we see that there was a match girl. And match girl ko kya bolta happy prince ki tum jao aur one sapphire meri eyes se isko pluck karo aur usko de do. जो लिटिल गर्ल है बट स्वेलो रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज स्वेलो गेव द प्ली दैट इफ आई प्लग योर नेक्स्ट टाइम योर सेकेंड सफायर देन यू वुड बिकम ब्लाइंड. लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं तो मेरी डू एज आई कमांड यू. तो फिर स्वेलो क्या करता है उसकी आंख से दूसरा सफायर निकाल लेता है और फिर वो उस लड़की को दे देता है. क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस बोलता है इफ दैट गर्ल वुडंट ब्रिंग एनी मनी टू द हाउस देन हर फादर वुड बीट हर. तो उसके पापा उसको मारेंगे तो तुम क्या करो ये दे दो उसको ताकि उसके पापा उसको मारें. बिकॉज हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो बोथ आर काइंड हार्टेड. तो फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो क्या करता है लेता उस लड़की को दे देता है. जब लड़की अपनी हाथ में उसको देखती है पीस ऑफ ग्लास देन शी फेल्ट वेरी हैप्पी. बहुत खुश होती है कि और घर को चली जाती है. और हैप्पी प्रिंस बोलते हैं स्वेलो को कि तुम क्या करो पूरे मेरे. पहले स्वेलो बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँगा तुम ब्लाइंड हो गए हो बोथ योर आईज हैव गॉन तो मैं क्या करूँगा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा यही रहूँगा. लेकिन स्वेलो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि नो यू हैव टू गो टू इजिप्ट बिकॉज इट इज विंटर हियर एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हियर. स्वेलो बोलते हैं कि नो आई विल नॉट लीव यू. फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहूँगा. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि स्वेलो धीरे धीरे क्या होता है कि बारिश मतलब आने स्टार्ट हो जाती है ठंड हो जाती है कोल्ड और स्नो पड़ने लग पड़ती है. और स्वेलो था गर्मी का बर्ड और उसको विंटर में बहुत ठंड लगती है तो वो क्या करता था यहाँ वहाँ जाता था और बेकर की शॉप से क्रम्स और ब्रेड ले लेता था और खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स. अब एक दिन उसको लगता है कि हिज एंड इज नियर तो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ. ओके स्वेलो जाता है हैप्पी प्रिंस के पास और टू बिड हिम गुड बाय. हैप्पी प्रिंस फील वेरी हैप्पी कि बहुत खुश होते कि ये फाइनली इजिप्ट जा रहा है. लेकिन स्वेलो बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट बट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. मैं मृत्यु के घर में जा रहा हूँ मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. तो हैप्पी प्रिंस स्वेलो बोलते हैं हैप्पी प्रिंस को कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊँगा तुम्हें यहीं पर ही मरूंगा. और ऐसे कहते ही वो उसके पाँव के पास गिर जाता है. तो तभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है सडन क्रैक ऐसे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा कुछ टूटा है. तो वो क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था दैट वाज मेड ऑफ लेड और वो अंदर से उसकी टूटने की आवाज़ आती है. तो फिर वो हार्ट टूट जाता है क्यों क्योंकि उस वेलो की डेथ हो गई थी. तो हैप्पी प्रिंस भी बहुत दुखी हो जाता है उसका हार्ट वो टूट जाता है दोनों डेड हो जाते हैं. हैप्पी प्रिंस तो दैट ही वाज ऑलरेडी डेड पर ये स्टोरी उसकी स्टिच चुकी है. देन व्हाट हैपेंड दूसरे दिन मेयर आता है मेयर लुक्ड एट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि हैप्पी प्रिंस हाउ शैबी ही इज लुकिंग कितना भद्दा लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस. तो दूसरे होते हैं वो बोलते हैं कि सच में कितना भिखारी लग रही है बिल्कुल भिखारी से कम ही लग रहा है. बिकॉज पहले तो वो गोल्ड से था सफायर थी बहुत प्रीशियस जेम्स के साथ वो था और अब क्या था अब वो बिल्कुल कुछ नहीं था उसका मतलब कुछ नहीं था सिर्फ एक स्टैचू था वो. तो वो जो सोना वगैरह था वो सब चला गया था. जब वो टाउन काउंसिलर्स वगैरह देखते हैं वो बोलते हैं हाँ कितना ये बुरा जैसा लग रहा है कि ये भिखारी से कम नहीं लग रहा है. फिर मेयर बोलते हैं कि इसको उतार दो स्टैचू को और जो है इसको मेल्ट कर दो फर्नेस में. तो सभी वो बोलते हैं कि ठीक है और वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि अब इस चीज़ जो मेल्ट किया अब कौन सा किसका स्टैचू बनाया जाए. तो मेयर बोलते हैं कि इस मेटल को तो हम ऐसा नहीं वेस्ट कर सकते तो आई वॉन्ट दैट माई स्टैचू शुड बी देयर. मेयर बोलते हैं कि मेरा स्टैचू होना चाहिए वहाँ पर. तो एक बोलता है मेरा होना चाहिए दूसरा बोलता है मेरा होना चाहिए एंड देयर स्टार्टेड अ क्वारल बिटवीन दैम. ठीक है फिर वहाँ लड़ाई हो जाती है. देन फिर क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो हैप्पी प्रिंस का जब स्टैचू को मेल्ट कर रहे होते हैं देन वन थिंग हैपन कि जो उसका हार्ट होता है वो मेल्ट नहीं होता है उसमें फर्नेस में. तो वो देखते हैं कि क्यों मेल्ट हो रहा है वो लेते हैं उसको फेंक देते हैं जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था. एंड द हार्ट वो कहाँ फेंकते हैं वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग ऑन द डस्ट हीप. ठीक है वहाँ पर फेंक देते हैं कूड़े के ढेर में. और वो कूड़े के ढेर के पास कहाँ गिरते हैं जहाँ स्वेलो की भी डेड बॉडी थी. दोनों इकट्ठे हो जाते हैं. तो फिर एक दिन गॉड बोलता है अपने
एंजल्स को कि जाओ और मुझे दो प्रीशियस चीजें लेकर आओ फ्रॉम द सिटी, जो बहुत प्रीशियस थिंग्स हैं वो लेकर आओ. जब एंजल्स जाते हैं व्हाट दे ब्रॉट डेड बॉडी ऑफ स्वेलो एंड द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस. वो दोनों चीजें लेकर वो गॉड के पास आ जाते हैं. तो गॉड बोलता है कि यू हैव राइटली डन, ठीक है, यू हैव राइटली चूजन, दीज आर द टू बेस्ट थिंग्स इन द सिटी. ये दोनों जो हैं बेस्ट थिंग्स हैं. तो बोलते हैं ये जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट है ये मेरे यहाँ पर रहेगा, मेरे गार्डन में रहेगा और ये हमेशा मेरी प्रेज, मेरी सिटी ऑफ गोल्ड में रहेगा और हमेशा यू विल प्रेज मी. और जो ये लिटिल बर्ड है स्वेलो ये हमेशा मेरे गार्डन में गाएगा. ओके, दैट वॉज योर स्टोरी, अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो. ओके, टुडे वी विल डू सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन. Your lesson one, Happy Prince by Oscar Wilde is complete. Now your word meanings with sentences, okay? Let us take first. First word. First word is introspection. First word is intro. Introspection. Okay, what does introspection mean? Introspection होता है अपने विचारों को, अपने thoughts को examine करना, देखना, खुद को देखना. Examining one's own thoughts, feelings and emotions. Examining, ठीक है, खुद के emotions को, feelings को. Emotions extra. Extra. Okay. Its sentence can be introspection. Introspection is the best, introspection is the best guideline, introspection is the best guideline for life. ठीक है, life के लिए best guideline क्या है? Introspection, अपने thoughts, अपने विचार, अपने reasons को examine करना. Now next is your next word from book, that is hooked. 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 Enjoying. Something. To. मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को enjoy करना. ठीक है? Its sentence will be when I was sick. जब मैं बीमार था, when I was sick, I was when I was sick, I bought कि जब मैं बीमार था तो मैंने बहुत ज्यादा टीवी को एंजॉय किया. आई गॉट हुक्ड ऑन टीवी. ओके, हाउ इज गिल्टेड? इट इज वेरी इजी गिल्टेड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस में हमें शुरू से गिल्टेड वर्ड
statue of happy place was gilded. Was gilded all over with thin layers of gold. Thin layers of gold. मतलब statue जो happy place का था वो चारों तरफ से gold से सजा हुआ था. Now the fourth one is slider. Slender. Slender. Slender means